हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हमारा नौवां दिन है, 30 दिन 30 अनबॉक्सिंग और 30 गिव अवे का, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटोरोला का एक लेटेस्ट डिवाइस मोटो G6। इसको जीतने के लिए आपको मुझे दो क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने वीडियो से। मैं आपको बताऊंगी इसके प्रोज एंड कॉन्स, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि रिजल्ट आपका जल्दी आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिजाइन की, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इसके अंदर हमें पॉलीमर ग्लास बॉडी मिलती है, और कॉर्नर्स के अंदर मिलती है एल्यूमिनियम फ्रेमिंग, जिसकी वजह से जब आप इस डिवाइस को हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको ये सॉलिड फील भी देगा और साथ ही स्टाइलिश लुक भी देगा। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ इंडिगो ब्लैक कलर ही अवेलेबल है, जो कि बैक साइड में आप देख सकते हैं ब्लूइश टिंट दे रहा है। साथ ही इसके ऊपर आपको स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग मिलती है, जिससे कि आप इसको थोड़ी बहुत रेनफॉल में आराम से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डिवाइस में। और आपको इसके ऊपर मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, मतलब ये आपका डिवाइस थोड़े बहुत स्क्रैचेस, थोड़े बहुत रेनफॉल सबको झेल लेगा और आपको एक स्टाइलिश लुक भी देगा। अब अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, तो हमें मिलता है इसके अंदर 5.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको 18:9 की स्क्रीन रेशियो मिलती है। पहले वाले मॉडल से अगर हम कंपेयर करें तो बेजल्स काफी कम कर दिए मोटोरोला ने, और आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। डिवाइस काफी ब्राइट है देखने में, इसके अंदर वीडियोस और फोटोग्राफ्स को देखने में आपको काफी मजा आएगा। जो तीसरी बढ़िया चीज जो मुझे लगती है इस डिवाइस के अंदर, वो है इसका डुअल कैमरा सेटअप। बैक में हमें 12+5 का कैमरा मिलता है, जो कि आपकी कमाल की पिक्स लेगा। इसका फोकस अच्छा है, ब्लरिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया है, कलर्स काफी नेचुरल लेता है, इसकी पिक्स की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, और साथ ही इसके बैक कैमरा में आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ है LED फ्लैश, मतलब कि आपकी लो लाइट पिक्स भी अच्छी आएंगी, नॉर्मल पिक्स भी अच्छी आएंगी, ब्यूटी मोड मिलता है तो वो भी अच्छी आएंगी, कुछ स्टिकर्स भी मिलते हैं। हालांकि पता नहीं क्यों स्टिकर्स के अंदर थोड़ा सा डार्क हो जाता है कैमरा, लेकिन वैसे देखा जाए तो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिलते हैं, और उसके साथ आपको मिलता है डॉल्बी ऑडियो। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर एक वीडियो प्ले करी है। आप देख सकते हैं दोनों ही काफी बढ़िया लग रहे हैं, इसका डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी लग रही है, कलर्स काफी ब्राइट लग रहे हैं। आप इसके अंदर वीडियोस को बहुत ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक तो आपको डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है और दूसरा आपको साउंड भी अच्छी मिल रही है। अब साथ ही मैं आपसे गिव अवे का पहला क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आपको मुझे बताना है अपना फेवरेट कलर। साथ ही मोटोरोला ने इसके अंदर आपको 15 वॉट का टर्बो चार्जर दिया है। हालांकि बैटरी इसके अंदर कम है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, इसके अंदर में सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन 15 वॉट का जो टर्बो चार्जर दिया है उससे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि कुछ ही मिनट चार्ज करने से आप काफी घंटों तक का इसके अंदर बैटरी बैकअप पा सकते हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट भी हो गया बैटरी कम है, और एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि 15 वॉट का चार्जर भी है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो इस डिवाइस के अंदर मुझे लगता है, वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी कम है इस रेंज के हिसाब से। इसके अंदर हमें एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 636 तो मिलना ही चाहिए था। इसकी बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 70,000 आया है, जो कि काफी कम है। स्नैपड्रैगन 450 है, उस हिसाब से तो ठीक ही आया है वैसे, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा बड़ा हुआ होना चाहिए था। अगर ये स्नैपड्रैगन 636 दे देते तो तहलका मचा देता ये डिवाइस, क्योंकि फिर ये कंप्लीट डिवाइस बन जाता। हालांकि अभी भी आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज करने में, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत तो लगता ही है इंसान को, जब वो इतने पैसे दे रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा हमें अच्छा अपग्रेडेड प्रोसेसर मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। सो गाइस, ये था हमारा मोटो G6, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। इसके अंदर मुझे दो ही कमियां मिली, एक तो प्रोसेसर, लेकिन उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटी वाले सारे काम इसमें आराम से हो जाएंगे। और दूसरा है इसकी छोटी बैटरी, लेकिन पावर चार्जर होने की वजह से आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम्स इसके अंदर छोटी मोटी है, और बाकी जो चीजें हैं आपको बहुत सारी मिल रही है, बहुत ही कमाल की मिल रही है। और साथ ही ये डिवाइस भी आप आराम से जीत सकते हैं। इसके लिए जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपको मुझे कमेंट करना है कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इसका रिजल्ट आपको सिर्फ 2 लाख व्यूज के बाद मिल जाएगा इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर पे। अगर आप मुझे वहाँ पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और जल्दी जल्दी अपना फेवरेट डिवाइस जीतें।